सिवान में रात में सुरक्षा करने वाले नेपाली सुरक्षाकर्मी जो प्राइवेट हैं, चाबाजी का काम करते हुए एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो उसके ऊपर फायरिंग कर दी। जी हाँ, जो नेपाली है उसके ऊपर फायरिंग कर दी है। पूरा मामला सिवान के नई बस्ती का है, जो नेपाली सुरक्षाकर्मी अपने दोस्त के साथ महादेवा में जा रहे थे, तभी हाथ में हथियार लेकर जाते चार लोगों को देखा और उसका पीछा करने लगे। लगता है कि यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। इसको देखने के बाद सुरक्षाकर्मी जो नेपाली हैं उनका पीछा करने लगे और उनको देखकर उसका एक साथी नेपाली सुरक्षाकर्मी पर गोली चला दी। बाल बाल बचे नेपाली सुरक्षाकर्मी। उसके बाद उन्होंने पीछा किया और उसके एक साथी को धर दबोचा, बाकी भागने में सफल रहे हैं। नेपाली सुरक्षाकर्मी ने पकड़े गए चोर से जब पूछताछ की तो उन्होंने अपने सभी साथी का नाम बता दिया है। पुलिस देखते हैं कि इनके आधार पर और साथी को कब तक पकड़ पाती है। तो देख सकते हैं जो नेपाली सुरक्षाकर्मी हैं बहुत जाबाज का काम किए हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक चोर को पकड़ा है और उन्हें अभिषेक साहू के द्वारा सम्मानित भी किया गया है और वहां के लोगों के द्वारा फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया था। क्या नाम है? जोर से बोलो। राजन नाम है। राजन, क्या करते हुए पकड़े गए? कौन सी ने गोली चलाया? सर कुछ है, करते हैं पढ़ाई, करते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है, मोबाइल के लालच में चले आए उन लोगों के साथ। मोबाइल के लालच में? हाँ। तो रात में मोबाइल छीनते हो कि आप या चोरी करते हो? के वो बोला एक था मैं जो गोली चलाया है। हाँ। क्या नाम, क्या जो गोली चलाया है नाम क्या है? उसका नाम चेंगड़ है। चेंगड़? कहाँ घर है उसका? उसका मिसका टोली में घर है। मिसका टोली में? अच्छा, कौन सा हथियार था? पिस्टल था। पिस्टल था। कितने गोली चलाए इन जाबाज पहरेदारों पे? कितने गोली राउंड फायर हुआ? एक गोली फायर हुआ। उसमें तुम भी शामिल थे? नहीं सर, हम गोली नहीं चलाए। हाँ। मतलब साथ में थे, लेकिन साथ में थे। क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे या डकैती कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे सर, जा रहे थे लोग। जा रहे थे? कहाँ का प्लानिंग था चोरी करने का? प्लानिंग नहीं था सर, बोला था मेरे साथ चलो तुमको पैसा कमवा देंगे। पैसा कमवा देंगे तुमको? हाँ। और तुम उसके साथ चोरी करते? ठीक है। और कितने व्यक्ति थे शामिल इस घटना में? सर चार। चार, चारों का नाम बताओ, चारों अपराधियों का। एक का नाम है, एक का। गोली किसने चलाई इन जाबाज पहरेदारों पर? गोली किसने चलाई? चेंगर। उसके पापा का नाम? उसके पापा का नाम मालूम नहीं है। पापा का नाम मालूम नहीं है? और घर कहाँ है? मिसका टोली में। चेंगर नाम है, पापा का नाम नहीं मालूम है। और को कितने लोग शामिल थे इस घटना में? और एक राजन नाम था उसका। राजन नाम। और एक तो शहादत है। और बस इतना ही लोग। इन सभी अपराधियों का घर कहाँ पे है? सब मिसका टोली में घर है। नमस्कार सब लोग, भाई लोग को, जोर से बोलिए लोग को, मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए ये रात को पिस्तौल के साथ हमको मेरे ऊपर गोली चला दिया था। गोली किसने चलाया? गोली ये बताता है। अच्छा। सब बताता है सर। हाँ। उसके बाद गोली चला दिया, इसको पकड़ने सफल हुआ हम। ये भाग रहा था, भाई घर जाने वाला था 3 बजे, 3:30 बजे। ये भाई को घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, रास्ता से मिल गया। मिलने के बाद उसके बाद इसको मैं दौड़ाया, दौड़ाने के बाद लौट के मेरे ऊपर गोली चला दिया। मैं थोड़ा ऐसे हुआ, गोली इधर से चल गया ये, और सब ये बात। किस जगह गोली चला, कहाँ गोली चला आप लोग के ऊपर? यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, ये नई बस्ती, यहाँ से जाकर पीर बाबा के पास से जाकर 20 में लगता है। नई बस्ती पीर बाबा के तरफ? नई बस्ती। हाँ। नई बस्ती के। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को मैं सर नंबर था बड़े बाबू का, दो से जगह लगा। इधर नए बस्ती में पकड़े हैं, तो मेरे को ये थाना में देना है, ओपी थाना में। ओपी थाना पड़ता है इधर? हाँ, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको ओपी थाना में सौंपेंगे? और सर ओपी थाना में देंगे, सबसे पहले उसको पकड़ना है जिसके पास हथियार है। हथियार है। हाँ। ठीक है, चलिए आइए हम।